हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मौनी सागर ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, हम भी सब बढ़िया हैं। तो गाइस, मैं उठ गई थी, अभी नहाई नहीं हूँ, नहाऊंगी क्योंकि अभी हमें कहीं जाना है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले काम कर लूँ सारा, फिर ही नहाऊंगी। और बारिश हो रही है बहुत तेज, अभी दिखाती हूँ तुम्हें बाहर। और उससे पहले अभी सागर कहीं गया, वो आएगा इतने में आज अपनी अलमारी भी सेट करूँगी, क्योंकि सूट ऐसे हैं मेरे जो आधे दिखते नहीं है, वो पीछे रखे हैं, मैं उन पहन ही नहीं पाती। वैसे तो घर में पहनती नहीं, यही पहनती हूँ कोट सेट्स, ये कॉटन के ना, ये पहन के सही लगता है। नहीं तो मैं बारिश दिखाती हूँ, बहुत तेज आ रही है, ऐसा मन हो रहा है नहा लूँ बारिश में, पर मेरे वो सर भीग जाएगा, बाल सर कह रही, बाल भीग जाएंगे। देखो देखना कितनी तेज आ रही है, पूरा ये बालकनी गीली होगी, पर ये धुल जाएगी बालकनी सारी, फिर वाइपर लगा दूंगी। बारिश से ये तो है सारी साफ हो जाती है, तेज आ रही है। मेरे ना यहाँ किराएदार रहते हैं, तो वो देख रही कि ये किसकी वीडियो बना रही है, उन्हें ये नहीं पता मैं अपनी बना रही हूँ, उनकी थोड़ी बनाऊंगी, देख रही थी। और एक चीज़ ये बताना, जैसे बारिश आती है जब पोछा लगाते हैं, सूखता नहीं है, है ना, ऐसे चिपचिप सी और मच जाती है। बारिश अच्छी भी लगती है, अच्छी भी नहीं है, ये हो रहा है। तो अब मैं अपने सूट सेट कर लेती हूँ, जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना उनमें सेट करूँगी आज। देखो दिखाती हूँ तुम्हें कैसे भर रहे हैं, एक मिनट सूट देखो तुम। इसमें से अगर मेरे नंबर इन आ गए, वैसे इनका भी नहीं आता नंबर तो। और ये देखो इनके पीछे भी सूट है, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें तो वैसे पहनने के, इसमें मेरे बैग वैग हैं, तो यही सामान भर रहा है सारा। और मैंने सागर की भी अलमारी ले रखी है, देख लो सागर की, में सागर के बस यहाँ है और मेरे यहाँ भी है, देखना टॉप वॉप जो पहनती हूँ, जीन्स वगैरह, और इसमें भी मेरे ही है कुछ ना कुछ। तो अब मैं सबको इनको निकालती हूँ बाहर यहाँ पे, फिर इनको सेट करती हूँ ऑर्गेनाइज़र में। अरे देखो ये रखे, ये अभी दो सिलने डाल के आने हैं, और ये पहना था अभी मैंने जब वहाँ गए थे रज्जगे में, ब्लैक वाला, इसकी जगह नहीं है अलमारी में रखने की, इसलिए। और इस बैग में भी हैं, इस बैग में भी भर रहे हैं सूट, और इसमें सारी चप्पल भर रही हैं, फिर भी मेरी फेवरेट एक दो, ये देखो दिखाती हूँ तुम्हें, इसमें अब जगह नहीं है रखने की। और सागर का तो इसमें कुछ है भी नहीं, देखना पूरी ऊपर से नीचे तक, इसमें सारी हील्स वील, शादी में कम से कम भी 25-30 जोड़ी चप्पल होंगी मेरे पे, और पहनने में वही मन करता है एक दो वही पहनूँ, ये मोरनी वोरनी वाले सूट, ये जब पहन लिए अब मन ही नहीं करता इनका पहनने का। तो मैं कर लेती हूँ इसे सेट, फिर दिखाती हूँ तुम्हें कैसे मेरी पूरी ऑर्गेनाइज होती है। ऑर्गेनाइज़र भी दिखाऊँ कैसे, अभी दिखाती हूँ वो इसमें रखे। देखो ये रे, ये पूरे ऐसे हैं, ऑनलाइन ही मंगाए थे अमेज़ोन से, मतलब इनमें सूट आके ऐसे आगे ट्रांसपेरेंट है, इनमें दिख भी जाएंगे किसमें कौन सा सूट रखा है। पर ये ना मेरे ज़्यादा बड़े आ गए थे, इनमें ना मतलब एक में 5-6 सूट आ जाते हैं, पर जैसे ऐसे होते हैं ना एक में एक, तो वो बढ़िया रहता, ब्लर हो रहा है तो वो और अच्छा रहता। अब इनमें समझ नहीं आता कैसे करूँ, तो अब इनमें कोई नहीं, पहले भी मैंने जब शादी हुई थी ना इनमें ही सेट करे थे, फिर मेरा दिमाग घूमा, मैंने हटा के वैसे रख दिए, अब दोबारा दिमाग घूम रहा, अब इनमें दोबारा रखूँगी, तो अब मैं इनमें सेट कर दूँगी। और गाइस ये नकली बाल जिसमें कि मुझे लगाने नहीं है, नकली बाल है ये, देखो अभी आधे तो निकाल लिए ऊपर के, अब इन्हें कैसे सेट करूँ, दिमाग सही हो रहा है, सारे पहनने के भी है ना पहनने के भी है, और ये तो अभी रह गए, इसमें भी कम से कम 20-25 भर गए, करती हूँ इनको सही, देखना कैसे अपने आप ही एक सूट खींचा सारे उतर उतर के गिर गए यहाँ। तो गाइस देख लो सूटों की ऐसी पैकिंग कर दी है, क्या ही बोलूँ अब ना दिखेंगे, बस यार ये ना दिखेंगे ना पहनने पड़ेंगे, पूरे बंद इनमें, बस ये है आगे थोड़ा ऐसे ट्रांसपेरेंट है, इनमें से देख लिया करूँगी किसमें कौन सा रखा है। इनमें एक में 6-6, 7-7 सूट आ गए हैं, तो इनमें जो हैवी वाले थे, पैडेड थे, वो सब इसमें रख दिए हैं, और फिर भी बच गए हैं, अभी ये वाले रह गए हैं। अब इनको पहले उधर सेट कर दूँ, फिर इनको देखती हूँ कैसे करना है। और अभी तो देखना है, ये दो तो मेरे नए ही रखे हैं, ये वाला भी रखा है, ये भी पहने ही नहीं अभी, और दो ये बनेंगे, और 4 वहाँ टेलर पे पड़े हैं, अभी दबूंगी मैं सूटों के नीचे।
तो देख लो फाइनली ऐसे सेट हुई है। वो बैग भर भर के रख दी बीच वाले पेन लेके, ये भी कर दी सागर की, पर वो आते देखना, इसको दो दिन में ना कर दे तो मैं भी यहीं दिखा दूंगी तुम्हें। दो दिन का कल ही देख लेना, इसमें सारे बिगड़े पाएंगे कपड़े। तो ये होगी सेट, गर्मी भी लगने लगी अलमारी सेट करते करते। सारे सेट हो गए गाइस सूट, अब टेंशन फ्री। घने दिन से सोच रही थी साफ करने की, देखना पसीने भी आ गए करते करते काम। अब मैं नहा के रेडी, ये पहना है मैंने, पहले मैंने कार्गो पहनी थी, पर जो स्वाद ब्लैक जैगिंग या ब्लैक पैंट में वो किसी में नहीं है, क्योंकि कुछ भी पहन लो टॉप वगैरह उसके नीचे ब्लैक ही सही लगता है। पता नहीं क्यों दिमाग सेट हो रखा है कि ब्लैक ही सही लगता है या लगता ही सही है, ये तो मेरे को पता नहीं। तो पर मैंने अभी फेस पे कुछ नहीं लगाया, नहीं बस मॉइस्चराइज़र लगाया, क्योंकि अभी टाइम है, सागर लेट आएगा इतने, फिर क्या फ़ायदा, अभी रोटी बनाऊँगी जाके, रोटी खाऊँगी तो फिर हट ही जाएगा है ना। मेकअप तो वैसे करूँगी नहीं, बस थोड़ा सा ब्लशर लिपस्टिक वो भी पर बाद में। तो अब मैं हो गई रेडी, अब मैं जा रही हूँ नीचे, खाया हूँ रोटी, मुझे भी भूख लग रही है। और कौन कौन जब बाहर जाता है, ये पता नहीं क्या रेड रेड हो गया, कौन कौन बाहर जाता है जब अपनी पायल उतार के जाता है, मैं तो उतार के जाती हूँ खास करके, मतलब ऐसे किसी शादी वादी में गए तो बात अलग है, पर ऐसे ही जाए तो अजीब सा लगता है अपने आप में ही, छन छन सी है ना, तो मैं तो निकाल देती हूँ जब बाहर जाती हूँ। तो गाइज मैंने चेंज कर लिए, टॉप दूसरा पहन लिया, वो अच्छा नहीं लग रहा था मम्मी को, और सूट ले लिए, फिर मन में अजीब सा हो जाता है जब अच्छा नहीं लगता है ना। अब ये जा रही मैं नीचे, तो गाइज अब हम जा रहे हैं, बस निकल रहे हैं, सागर आ गया, सागर के लिए जूस लिया है, जूस पी लेगा इतने, फिर जा रहे हैं। अब बता देना ये टॉप कैसा लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा था, वो ऐसे लग रहा था घर की टी शर्ट सी। तो गाइज हम आ गए हैं, वसंत कुंज जाना था हमें, मैंने बताया नहीं था तुमको, हम यहीं आए हैं वसंत कुंज DLF, पहुँच गए। मैंने अपने सूट भी सिलने डाल दिए, दो जो सूट डालने थे, ये पीछे मम्मी बैठी है। तो अब हम देखना क्या शॉपिंग करके लेके जाएंगे, सागर भी है साथ। तो गाइस गाड़ी लगा दी है पार्किंग में, मैं तो उतर गई थी, सागर अभी लगा रहा है गाड़ी पार्किंग में। चीज ले लिया हमने, ओम को अचार, डिब्बा वाला मोनी ले रही है, टॉट का अचार ना, टैट का इडली बनाई है ना। अच्छा, इडली का सामान ले रहे हो, डोसा को भी ले लो, उत्पम को भी ले लो, ये रे डोसा का भी ले, उत्पम तो बन जा रहा है। देख लो भाई रेडी भर गई हमारी पूरी, अभी पूरी जौनपुर जाएगी ऐसी साबुत। आज हम घर की शॉपिंग करने आए हैं, हमेशा अपने अपने घर के सामान की। तो गाइस ओए गिर गया, गाइस कहते हैं साबुन जा के गिरा, नहीं अभी तो आ रहा है भैया सामान, ठीक है ना, बढ़िया सा ले लो कोई ऊपर का, एक दोनों हो गए वो ऊपर पहले हमारा ब्लू वाला है ना, सही लगा उसकी भी ले लो एक, हाँ ये लेने हैं कितने का, 40 के दो लगा, 40 के दो है, 40 के दो, हाँ चार ही ले लो, ये तो खराब हो जाए, दे दो भैया ये साफ करना पड़ा ना कुछ गल से जाए। तो गाइस हमारा सामान देख लो, दो इसमें भर गए हैं, बस अब इनसे चेक कराएंगे गार्ड से, फिर गाड़ी में रखवाएंगे चेक कर। ना देते हर बेर, भैया सारा निकालो यहाँ रखो और एक एक गिन के फिर रखो टोकरी में वापिस है, जब वहाँ कह रहे थे कि हम वहाँ चेक करेंगे तो चेक करो ना ढंग से, सारा निकाल कर एक एक इसमें चेक करो, छोटा सा बार रखवा लो। देखो भाई ये गार्ड ना इतने ध्यान से पढ़ रहा है स्लिप, जैसे एक मतलब स्लिप
इतने ध्यान से पढ़ रहा है जैसे कि एक एक गिन दिया होगा इसने, अरे इसे पता ना क्या धरा है क्या नहीं। झूठ बोलते हैं भाई इसका मतलब वो। आज है 5 लाख का सामान। देख ना पीछे का व्यू ऐसा आ रहा है जैसे पहाड़ों में खड़े होकर शॉपिंग कर रहे हो। देहरादून करना है, है ना? देहरादून आए शॉपिंग करने। देख लो गाइस हम देहरादून आए शॉपिंग करने, पहाड़ दिख रहे हैं एकदम ठंडा मौसम और पहाड़ ज्यादा ही सामान हो रहा आज हमारा। मैं तो कते रख दूंगी, मैं यहाँ कभी यहाँ नहीं रखा। तो उतर के सिर पे कट्टा रख के ऊपर चढ़ाऊंगी तो ये तीसरी मंजिल पे। गाड़ी में तो उतर के सीधी ऊपर ये रख। कैसा लग रहा है आपको देहरादून आके शॉपिंग करने में? बढ़िया बढ़िया लग रहा है, मौज आ रही कतई। मौसम भी ठंडा हो रहा है ना, आपको यहाँ तो भव कैसे निकलता। गाइस ये वही जगह है जहाँ से हमने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, हमारा पहला व्लॉग यही का था, पहला व्लॉग ही हमने यही से शुरू हुआ था, शॉपिंग का ही हुआ था ना मम्मी, याद आपको? पहला व्लॉग यही का नहीं था? तो जिसने नहीं देखा वो सबसे नीचे जाओ हमारे यूट्यूब चैनल पे और पहला व्लॉग देख के आओ। कैसे व्यू में पता ना मेरी शक्ल कैसी आ रही है, घुमा के तो देखा है कैमरा। चलो बैठो, ये पीछे क्यों ले रहा है गाइस? अब इतना सामान जाके जचाना हमारे बस की नहीं है, एक सरदार लेके जाना पड़ेगा घर में जचा दे जिस सरदार। सागर से बुझू है, सुनो एक सरदार ये घर भी ले जाना पड़ेगा जो हमारे सामान जचवा दे। ये सरदार हमने वैसी पाल रखा खवा पिया के है सरदार, वो तो मैं वो सरदार वाली फोटो भी तो मेरी। इस वाले मॉल में खाने, अब हमने बाहर का ही खरीदा तो हम बाहर का ही खाएंगे आज, अब हमारी इतनी वो नहीं हम घर जाके सब्जी रोटी बनाए है ही नहीं भाई, खाएंगे बाहर का, जहाँ इतने कर लिया वहाँ खा भी सके बाहर का। और कभी कभी खाते हैं हम, रोज तो जब भी नहीं, कभी कभी तो होता है ना बाहर जाओ तो बाहर का ही खाओ। गाइस देखने ट्रेन भी चल रही है। हाँ ये बच्चों को, हाँ बच्चों को यीशु मंच भी यही झूले झूले तो लग रहे हैं। अब भी देखना पूरा चेंज हो गया, अभी मॉल सही होगा पर यहाँ की स्टोर हटा दी, पैनल लगा दिए। पहले शीशा था वो गंदा ही होता था वैसे भी, पहले शीशा था गाइस यहाँ वो जब भी गंदा ही होता था। मतलब ये तो हमारे घर से हम खूब आए हैं यहाँ पैदल खाने, भागे आते थे बर्गर खाने यहीं। डोमिनोज बंद हो गया, यहाँ का डोमिनोज था और वो था भगत राम। अब ये खुल गई सैलून वैलून, हल्दीराम खुल रखा है इसमें और पिज्जा। हल्दीराम में आए थे खाने का लेने, अभी पैक हो रहा है। तुम ये मिठाई देखो 4200 रुपए किलो, मतलब एक तरीके से 5000 में थोड़ा कम। तो मतलब इन्हें कौन इसमें क्या लग रहा है ऐसा? चलो इसमें तो लग भी रहा है कुछ गोल्डन गोल्डन सोना सा, हाँ नट्टी वोटी है ना, पता ना क्या क्या है देखना। और रेट देखो तुम इनके 1700 रुपए। काजू गुंजिया ये भी 1680, मतलब। और ये देखो रॉयल बोन बोन 1885, मतलब क्या है इनका। इंसान एक ही पीस लेके जाता होगा वो भी 200 रुपए का है एक पीस। ये देखना ये क्या टोकरी सी बना रखी है 1575। मम्मी ध्यान से देख रही, सारी चीज घर में बना देंगी। ये भी ओसो बुलबुल काजू, ये वो है सीमी सी ऐसे गोल बना के उनमें कुछ डाल रखे है ना बादाम। और ये मम्मी देख रहे 3007 रुपए किलो पिस्ता की फीलिंग की कटोरी। भाई हद होगी, हमने तो देखे ना ऐसे रेट, तो मैं तो आज ही देखे। हल्दीराम वैसे बढ़िया बना दी अब, देखना डेकोरेशन इनके गाइस इनके ही है 5000 रुपए किलो मिठाई इस डेकोरेशन के। हाँ ये 200-150 दे रहे हैं। हाँ जब तो ये 500 रुपए 5000 रुपए किलो मिठाई भी दे रहे हैं डेकोरेशन। हाँ और गाइस मैंने राजमा चावल लिए थे कि मेरा पेट भर जाएगा,
एक प्लेट, तो तुम्हें दिखाती हूँ क्या दिया है। इतने से तो दिए चावल, दो चमचे चावल, अरे एक ही चमचा राजमा, प्याज और एक चमचा राजमा, बस चावल का भी मिक्स। और ये 180 रुपए की प्लेट है। अब तुम देख लो इसमें नंगा नहाएगा क्या, नहीं जोड़ेगा क्या वो वाला काम है। तो अब हमारे साथ ही वो ही काम है, इसलिए और कुछ भी लेना पड़ेगा खाने का। और पैक हो रहे हैं, और हमारे पैक हो रहे हैं घर के घर के। अभी सागर आ रहा है, फिर पूछती हूँ उससे क्या खाएगा, फिर लेती हूँ। तो गाइस ये राजमा चावल हम यही खा रहे हैं, सारे डोसे। ये आपने कही ना मैं हल्दीराम में जा, सागर कही ना व्यू कितना अच्छा आ रहा है सागर के पीछे का। अपना अलग से पिज्जा करवा के आया है, राजमा चावल ये दे दिया हमें 180 रुपए के। पैसन की बात ना, पैसन की बात है, क्यों नहीं है पैसे है तो हम वेस्ट करें पैसे। ये चीज घर भी खा लेकर आए, बाहर निकल गए तो हमें राजमा चावल दिखे बस। इतने मैंने आया इतने ऑर्डर दे दिए राजमा चावल। हाँ जल्दी रोम में आके भी राजमा चावल खावे। बताओ यार दुनिया, राज कचौरी यार, रसमलाई यार, ये चीज और डोसा भटूरे टिक्की, इन चीजें न खाए, खा रहे हैं राजमा चावल। लो कर लो बात, मोनू पंजाबी राजमा चावल का, मोनू पंजाबी राजमा चावल खा रहा हूँ। लाइटिंग कितनी अच्छी आ रही है, राजमा चावल मोनू पंजाबी बढ़िया है हल्दीराम। अब मैं एक बार दिखा रहा, अब मैं हमेशा आगे से राजमा चावल लूंगी हल्दीराम। मोनू पंजाबी के यही आवे बस दिमाग में, और तो कुछ पता ही ना। हो गए भाई पे, गाड़ी में कैसे डोसा खाओगे, तो अच्छा तो यही खा लेती थी ना, सब्जी थे डोसा मैंने। तो गाइस एक खिलाड़ी ने और अपना डोसा खोल लिया घर का, वैसे हमने पैक कराया था। तो ये देख लो हमारा पैक का, और सागर ऐसे बैठे देख लो, वाओ कितने अच्छा आ रहे हो आप, ऐसे लग रहा है बाहर पेड़ पौधों में बैठे हो। और अपना पिज्जा करा के आए हो ना, कौन सा पंजाबी चावल खा लिए ना बस। हाँ कौन सा पिज्जा करा के हो बता तो दो, पिज्जा हट पे सब खा लगे, डोमिनोज तो बंद हो गया अब यहाँ सब भाई खा लगे, ऐसा नाम ना बता दो मेरे स्पेशल बनवा दूंगा अलग। अच्छा गाइस अब मम्मी सागर के आगे कह के देखेगी कि मेरा घर यही है इस रोड पे थोड़ी सी आगे, कि मोनी को यही छोड़ जा, कोई नहीं मुझे कहीं जाना भी है परसों कहीं, तो फिर ये दोबारा आएगी फिर क्या, तो फिर देखती हूँ सागर क्या बोलेगा कैमरे में तो नहीं दिखाऊंगी वरना फिर वो बोलेगा ही नहीं कुछ, बाद में बता दूंगी मैं क्या बोलेगा। अगर मैं यहीं उतर गई तो तुम्हें पता लग जाएगा, रहेगी मैं यहीं, अगर मैं वहां गई तो मतलब मुझे नहीं छोड़ा यहाँ, बस ये मॉल यहाँ से सीधा सीधा मैं पैदल भी जा सकती हूँ इतनी पास है यहाँ से। तो गाइस सागर का रिएक्शन था नो, क्या था मम्मी इसका रिएक्शन, नहीं रोज रोज यही डोलेंगे तो सागर ने कर दिया मना। मैंने गाइस को बोला था कि अभी सागर के रिएक्शन दिखाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ रहूंगी, पर सागर के कोई रिएक्शन नहीं है, रुकना 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 मत रुक अंकित आ जाएगा। हाँ पर ये नहीं अब कह रहा कोई नहीं परसों आना है, परसों ही ना अभी तो हिसाब ले रहा होगा बाहर बस बसों का, 12-1 बजे से पहले कौन सोता है। तो गाइस अब हम चल दिए घर को, खूब पैसों को उड़ा के खा पी के अब घर जाके फिर मिलते हैं आप सबसे। कितने उड़ा खाई और क्या देहरादून, मोनी तो रोज पैसा नहीं उड़ाती, तो देहरादून नहीं आए हम शॉपिंग करके पहाड़ों में, कितने पैसे लगे हैं पेट्रोल वेट्रोल के भी आने जाने के, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं घर, पेट्रोल तो नहीं चलते। और सामान ये अभी तो उतारेंगे नहीं रात को, अब उतारेंगे सुबह, मोनी चढ़ाएगी अब इस सामान को, कौन उतारेगा इतना रात को, हम ना उतारे सुबह उतारेंगे चढ़ाएगी, तो अभी ये सामान उतरेगा सुबह, मोनी चढ़ाएगी, मम्मी सारे कट्टे मेरे सिर पे रखेगी, मैं उतार उतार के देंगी, तू भगवत के दर का ही हो, चलो ठीक है मम्मी उतार उतार के देगी, मैं रसोई तक रख के आऊंगी कौन हो सरदार तो भर के दर का ये सागर ने मेरा नया नाम रखा था मोनू सरदार, मोनू रख दूंगी मैं, मोनी से मोनू रख दिया क्योंकि मैंने एक राजमा चावल क्या खा लिया, मेरी बेइज्जती कर रखी है